हेलो दोस्तों, आरटेक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने वाले हैं पीडीएफ फाइल को मर्ज कैसे करें। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है स्टूडेंट्स पे, जिनको कि स्कूल से कॉलेज से छोटी छोटी पीडीएफ सेंड की जाती है पढ़ने के लिए, और उनके फ़ोन में इतनी ज़्यादा पीडीएफ हो चुकी है कि उन्हें मर्ज करना मुश्किल हो चुका है। और दोस्तों, वो जो छोटी छोटी फाइलें हैं वो उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं अपने मोबाइल में, क्योंकि इतनी सारी फाइलें हो चुकी हर टॉपिक हर चैप्टर की अलग अलग फाइल है। तो दोस्तों, इन फाइलों को मर्ज कैसे करें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और पूरी के पूरी पीडीएफ को एक बुक की तरह कैसे बनाएं। दोस्तों, हमें पीडीएफ फाइल को मर्ज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपली गूगल पे सर्च करना है जो सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा है। जैसे कि मेरे दिमाग में चल रहा है पीडीएफ मर्ज, तो मैं सिंपली इसे पीडीएफ मर्ज को सर्च करूँगा। और जैसे ही सर्च करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे लिंक्स देखने को मिल जाती है। अगर हम इसे स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे लिंक्स हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन हमें सबसे पहली वाली लिंक पर जाना है। तो मैं जाके सीधा पहली वाली लिंक पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, इस लिंक पर हमें एंटर करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि सोडा पीडीएफ ऑनलाइन। तो हम जैसे ही इसे स्क्रॉल करते हैं तो हमें चूज़ फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम सबसे पहले एक फ़ाइल को चूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ अपनी एक फ़ाइल जो कि है एंटमोलॉजी से रिलेटेड। तो इसके साथ ही हम दूसरी फाइल को भी चूज करेंगे जो कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें दूसरी फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे तो उसमें मर्ज फाइल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अपलोडिंग शुरू कर देता है। तो दोस्तों, जैसे ही ये अपलोडिंग की प्रोसेस 1% से लेकर 100% तक हो जाती है तो हमें अपनी फाइल मर्ज हुई मिल जाती है। जैसे ही 100% हो जाता है तो हमें देखने को मिल जाता है, जो कि दिखाई दे रहा है हमें कि योर फाइल विल बी रेडी टू डाउनलोड इन 6 सेकेंड। तो ये छोटी सी प्रोसेस है। उसके बाद हमारी जो है पीडीएफ तैयार हो चुकी है, इसमें लिखा है व्यू एंड डाउनलोड इन ब्राउज़र। तो यहाँ पे हमारी फाइल मर्ज हो चुकी है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने को मांग लेता है। लेकिन इससे पहले हम अगर अपनी फ़ाइल को देखना चाहेंगे किस तरीके से ये तैयार हुई है, तो इसमें एक अलग से ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, अलग से पेज खुलेगा आपका और इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो मैंने दो फाइलें मर्ज की है। पहली फाइल जो थी वो 27 MB की थी और दूसरी फाइल 1 MB के आसपास की थी। तो इसमें जैसे ही आप मर्ज करते हो तो इसमें कोई स्पेस ज़्यादा नहीं लेता है, जितने MB की आपकी फ़ाइल होगी उतना ही स्पेस लेता है और फाइल को मर्ज कर देता है। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका है। इसमें आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से ये डाउनलोड हो चुकी है। और दोस्तों, ये पहले 219 पेज की थी और दूसरी वाली पीडीएफ 20 पेज के आसपास की थी। तो हमारे टोटल 232 पेजेस की फ़ाइल हो चुकी है और ये पूरी फाइल मर्ज हो चुकी है। और दोस्तों, इस तरीके से आप दो से ज़्यादा फाइल अभी मर्ज कर सकते हैं। ये बहुत